देखिए इटावा जंक्शन का जो पहले चरण में 33 करोड़ रुपया मिला है, इससे निश्चित रूप से बहुत कुछ डेवलपमेंट होगा और बहुत कुछ गाड़ियों का यहाँ ठहराव होगा। अब जो गाड़ी इटावा जंक्शन से जाएगी उसका ठहराव होगा और यात्रियों के सुविधा के लिए चाहे प्रतीक्षालय हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय सीढ़ियाँ हो, चाहे लिफ्ट हो, ये सब प्रकार की सुविधाएं यात्रियों को मिल सकेंगी। पहले चरण में 33 करोड़ रुपया लगेगा और उसके बाद दूसरे चरण में और पैसा आएगा, जो लगभग मुझे लगता है कि जितने भी करोड़ों रुपया ये काम पूरा होगा उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन कल MP MLA कोर्ट में जिस तरह से हम उसका स्वागत करते हैं और कल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, माननीय डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। वो महिला थी जिसका एक वजन भी है। देखिए एक इटावा आगरा में जो है टोरंटो की बिजली की एक कंपनी, वो मायावती जी ने काम दिया था उसका वहाँ की जनता विरोध कर रही थी। एक शमशाबाद पर रोड पर रहने वाली एक महिला कमलेश दिवाकर जो धोबी जाति से है, प्रेस करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती, उसका 1 लाख से अधिक बिल बना दिया। तो वो कई बार टोरंटो ऑफिस गई, वहाँ पर उसे राहत नहीं मिली। उसके बाद वो मेरे पास आई तो वो 10,000 में एक समझौता हुआ, लेकिन उसके बाद जब वो जमा करने गई तो उसके साथ जो है अभद्रता की गई, उसको धक्के मार के निकाला गया। उसके बाद वो बच्चों को लेकर मेरे घर पर आ गई और कहा कि मैं यहीं सुसाइड करूंगी। मुझे उस दिन बुखार था, बुखार में भी उसको लेकर के ऑफिस गया और उसका काम कराया, समाधान कराया और कोई इस तरह की घटना वहाँ पर घटित हुई नहीं। चूँकि बसपा सरकार थी और बसपा सरकार चाहती थी कि ये टोरंटो कंपनी का कोई विरोध ना करे, इसलिए मेरे ऊपर FIR करके एक मैसेज देने के लिए हमारे ऊपर FIR की गई है जो पूरी तरह से राजनीतिक थी। लेकिन अब विपक्ष यहाँ पर सवाल उठा रहा है कि इतना सब होने के बावजूद आज का जो कार्यक्रम है जिसमें आप शामिल हो रहे हैं, के तरीके से आप शामिल नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं, सपा ने ये बात की, वो उनको जानकारी होना चाहिए। ये Act 8 के 4 में आप देख लीजिए, 3 में देख लीजिए, स्पष्ट लिखा है। राहुल जी ने अपील नहीं की, वो नेतागिरी करने के चक्कर में थे। मैं कल अपील करने जा रहा हूँ और जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय माननीय चंद्रचूड़ जी ने स्पष्ट कहा है उसको आप पढ़ लीजिए, हम कल अपील करेंगे। नहीं तो तब तक आप सरकारी कार्यक्रमों में सभी में शामिल होंगे और जब तक हमारे माननीय स्पीकर जी का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आएगा तब तक कोई विषय नहीं।